आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। आए दिन खबरों में एक खबर रोड एक्सीडेंट की जरूर होती है। हमें स्कूल में हर तरह की शिक्षा मिलती है पर रोड सेफ्टी का ज्ञान कहीं पर नहीं मिलता। हालांकि सरकार रोड सेफ्टी पर कई विज्ञापन के जरिए जनता को जागरूक करने की भरपूर कोशिश करती है, पर डॉक्टर पवन अग्रवाल के अथाह कोशिश के साथ टीचर एवं अभिनेता राजन कुमार ने RSP यानी रोड सेफ्टी के जरिए लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश की जा रही है। इन दिनों एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में डॉक्टर पवन अग्रवाल, राजन कुमार एवं मिस्टर पॉल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम तो बस इतना ही कहेंगे, दुर्घटना से देर ही भली। खबर 24। हम यहाँ पर सेंट अग्रसेन हाई स्कूल जूनियर कॉलेज कलवा में है। आज सुबह से नमस्ते बिहार की शूटिंग हो रही थी और इस दौरान हमारे नमस्ते बिहार के डायरेक्टर अभिनेता ये चर्चा हुई कि हम क्यों ना एक RSP पे छोटी सी स्मॉल डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, क्योंकि RSP का मतलब है रोड सेफ्टी पेट्रोलिंग। हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे RSP ये हर स्कूल में काम कर रहा है और करना चाहता है, ये हमारे महाराष्ट्र सरकार की अभिलाषा है। और इसी के मद्देनज़र हमने एक उपक्रम बोलते हमने शुरू किया कि क्यों ना हम हर स्कूल में एक या दो टीचर को ट्रेनिंग दें। आप देख रहे मेरे पीछे ये जो सारे लोग खड़े हैं, ये हर स्कूल में से एक एक टीचर है जो RSP के अधिकारी है। हम इनके ज़रिए स्कूल में बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे भारत में, महाराष्ट्र में, मुंबई में रोज़ कितने लोग अपनी खुद की गलतियों से मर रहे हैं। हालांकि गलती खुद की है और उसका हर्जाना पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को बचपन से जागरूक करें ताकि वो बच्चे अपने बचपन में अपने जहन में बिठा ले कि मैं जब भी इस खूबसूरत दुनिया में रास्ते पर चलूँगा, चाहे पैदल चलूँगा, चाहे गाड़ी में चलूँगा, धीरे चलूँगा, भाग कर चलूँगा, तो मैं अपनी खुद की लाइफ की जिम्मेदारी मैं खुद लूँ और बहुत नपी तुली ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँ, ताकि वो कहीं भी एक्सीडेंट से कोई हादसा ना हो और हादसे के ज़रिए इतना बड़ा हादसा ना हो कि वो मरी जाए या बहुत बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। इसके चलते छोटे डॉक्यूमेंट्री बना रहे, क्योंकि हम हर व्यक्ति तक जा जाके पहुँच नहीं सकते हैं, हर स्कूल में हर बच्चा तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रहे। और इसमें हमारे आज के हीरो नमस्ते बिहार के राजन कुमार जी ने एक बहुत बड़ा जिम्मा लिया है कि सर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसके चलते आप सब जुड़े थे यहाँ पर और छोटी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका जरिया होगा RSP। सर ये स्कूल में ही क्यों, लेकिन स्कूल में क्या, स्कूल में क्यों, ताकि बच्चों के बचपन में ही ये बैठ जाए कि मुझे जब बड़ा होऊंगा तो मुझे क्या करना है। इतना ही नहीं, बच्चे घर पर माँ बाप को जाके बोले, जो गाड़ी चलाते हैं चाहे 4-व्हीलर हो, 2-व्हीलर हो, साइकिल हो, ये उनको बताएंगे घर पर जाकर कि स्कूल में आज RSP के ज़रिए हमने ट्रैफिक सेंस को किस कदर उनके सामने रखा। इसलिए स्कूल में आप क्या कहना चाहेंगे इस शॉर्ट फिल्म के बारे में जो आपको प्लान कर रहे हैं? पहले तो मैं राजन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अभियान छेड़ा है, RSP सब्जेक्ट को स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 में कंपलसरी किया है। कि ये जो बच्चे हैं, आप आमतौर पे देखते हैं कि ट्रैफिक हवलदार, एक आम इंसान जब भी गलती करता है तो ट्रैफिक हवलदार फाइन करता है उसको, लेकिन एक RSP परिवार है, एक ऐसा संगठन है, वो चाहता है कि एक बच्चे गलतियाँ नहीं करें कि उनको आगे जाके फाइन भरना पड़े। तो एक तरह से जो गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे, वो उनको जो ट्रैफिक हवलदार है वो बिगड़ो होम को फाइन करते, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे ही नहीं बिगड़े, इसलिए ये RSP परिवार बना है। और हम लोग चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र शासन है स्कूल के तरफ से ये RSP परिवार अच्छे काम करे और दुनिया में एक मिसाल कायम करे। रतन जी आप जय हिंद। खबर 24 के तमाम दर्शकों को RSP परिवार की तरफ से नमस्ते। ये जैसा कि हमारे जो अध्यक्ष जो हमारे हैं RSP के डॉक्टर पवन अग्रवाल सर और जो हमारे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना था कि फिल्म छोटी है, फिल्म छोटी नहीं होती है,
वो कितना मैसेज कन्वे कर जाती है वो मायने रखता है। तो जो सर की सोच है, डॉक्टर साहब की सोच है कि एक ऐसी खूबसूरत फिल्म जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं समाज के तमाम वर्ग के लोगों को एक मैसेज दे जाए, क्योंकि आए दिन अखबारों में जो खबरें हम पढ़ते हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड, सच मायने में बहुत नुकसान है हमारे देश का, घर का, परिवार का, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक। तो इसकी क्षतिपूर्ति शुरू से हो, जैसा कि आपने सवाल कर दिया था खबर 24 की तरफ से कि स्कूल ही क्यों, मुझे ये लगता है कि स्कूल ही वो एक मीडियम है जहां हम रूट से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस संगठन को, आरएसपी को, एक नई ऊर्जा दी है, एक नई पहचान दी है। मैं ठहरा फिल्म का हीरो, संगठन में लाने के लिए डॉक्टर साहब, पॉल साहब, तमाम परिवार, जो इतना बड़ा परिवार देख रहा है, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम भी एजुकेशन से जुड़कर, एक अभिनेता का काम होता है लोगों को हंसाना, उनकी ज़िंदगी से रूबरू कराना, तो आरएसपी ने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है हम उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके, बच्चों को एजुकेट करके, सोसाइटी को एजुकेट करके, एक आरएसपी की एक अमिट छाप, एक फ़ायदा उनको देना चाहते हैं। और यही वजह है ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी और आप इससे देखेंगे, जानेंगे कहाँ कहाँ से गलतियाँ होती हैं रोड पर चलते हुए। तो आरएसपी जो है इस काम में बाकायदा बहुत सालों से काम कर रही है और आप नए रूप में आप लोगों के सामने होंगे। इनके कुछ कानून कायदे हैं तो आज हम लोग स्कूल के टीचर्स को इससे जोड़ते हैं, लेकिन मान लो कोई आम आदमी इससे जुड़ना चाहता है, भले वो आरएसपी ऑफिसर ना बन सकता हो लेकिन वो आरएसपी का काम करने वाला इंसान बन सकता है। करेक्ट। कैसे? जैसे आप देखते हो कि हम गणपति में, ईद में, दंगो फसाद में या कुछ और हमारे महाराष्ट्र के बड़े बड़े सेलिब्रेशन होते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए या लोगों को इकट्ठा करके उनको बराबर रास्ता बताने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस माध्यम से कई आम आदमी भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा खबर 24 के ज़रिए, खबर 24 के ज़रिए आप ये मैसेज दें कि जिनके अंदर कुछ भावना है, भले रोज़ नहीं, हफ्ते में एक दिन, संडे को 2 घंटे आके इस अच्छे नेक काम को लोगों तक जागरूकता के ज़रिए पहुँचाएँ। ओके।